पार्टी के सभी साथी मिलकर कोरोना की इस महामारी में नर सेवा ही नारायण सेवा है, मनुष्य सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, परोपकार ही परमार्थ है। भारतीय संस्कृति के इस सिद्धांत को लेकर हमने ये बीड़ा उठाया है और 3 जिले हम कवर कर चुके, जो अपनी क्षमता है, पूरा हरियाणा की नहीं क्षमता है, तो जितनी क्षमता है कम से कम उतनी सेवा करो। पूरा कुरुक्षेत्र जिला, पूरा कैथल जिला, पूरा जींद जिला संपूर्ण करने के बाद इस यज्ञ की शुरुआत उपलाना और बरवाड़ा में आज की है। ये यज्ञ क्या है? ये यज्ञ है कोरोना महामारी में जो कोरोना के वॉरियर्स हैं, सैनिक हैं, सेनापति हैं, हर डॉक्टर साहिबान तक सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में और उसके साथ साथ प्राइवेट MBBS, MD, BAMS क्लिनिक तक PPE किट्स और N95 मास्क पहुंचाने की मुहिम, इसके साथ साथ हर शहर में जो पत्रकार मित्र हैं, हर पत्रकार साथी तक N95 मास्क पहुंचाने की मुहिम, तथा पुलिस के जो कर्मी हैं हर थाने में, 20 से 30 कर्मी हर थाने में होते हैं, तो हर पुलिस थाने में ये N95 मास्क पहुंचाने की मुहिम। इसके साथ साथ अस्पतालों में सोडियम हाइपोक्लोराइड सारे MBBS MD डॉक्टर्स के अस्पतालों में और सरकारी में सोडियम हाइपोक्लोराइड का 5 लीटर का मिश्रण जो काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है, उसकी मुहिम। ये कांग्रेस पार्टी के साथियों की कोरोना महामारी में जैसे राम सेतु बनते समय गिलहरी के एक कंकर का एक छोटा सा सकारात्मक सार्थक कंट्रीब्यूशन था, ये हमारी एक मुहिम का हिस्सा है जिसको लेकर आज हम अब उकलाना पहुँचे हैं। बरवाड़ा के बाद प्रयास ये है कि हर ये सारा अपना जो इलाका है, जिन्होंने राजनीति में पैदल चलाकर उंगली पकड़कर बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंचाया, थोड़ा सा उस इलाकों की सेवा हम सब साथी मिलकर कर सकें। कैथल में हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड का चार्ली टोर्नेडो मशीन से छिड़काव भी करवा दिया सारे शहरों में, कैथल में, गुलाचीका में, कुंडरी में, सीवण में और इन सारे अपने सारे इलाकों में। उसके बाद अब कुरुक्षेत्र के 2-3 शहरों से मांग आई थी, जींद में मांग आई हुई है, नरवाना हम कवर कर चुके हैं और उसके बाद उकलाना बरवाड़ा के साथियों की भी ऐसे ही मांग आई है। सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का भी हम इंतज़ाम करवाएंगे, मशीन का भी, तो मुझे उम्मीद है हफ्ता से 10 दिन के अंदर वो मशीन अब हम चार्ली टोर्नेडो इन दोनों शहरों के अंदर भी ले आएंगे, जैसे जैसे बाकी शहर संपूर्ण होते जाएंगे। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, सेवा का प्रयास है और हमारे वो सारे साथी जो जान हथेली पर रखकर कोरोना की इस लड़ाई में, चाहे खबरें पहुंचाने की बात हो, चाहे पुलिस की सेवाएं देने की बात हो और चाहे डॉक्टरों का इलाज करने की बात हो, हमारे उन तक पहुंचने का और हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करने की एक छोटी सी ये मुहिम। कोई सवाल आप? एक सवाल है सर, ये जो विपक्षी दलों को ऐसा करना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं सरकार जो है पूरे 100% नहीं दे पा रही है इसके कोरोना को मारने के लिए? देखिए, सरकार ने कहीं भी पूरे हरियाणा में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई दी ही नहीं। करोड़ों रुपया सरकारी खजाने से जो खट्टर साहब ने खर्च किया, उससे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया। आप और मैं दोनों जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर से तो मच्छर भी नहीं मरता, कोरोना कहाँ से मरेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हिंदुस्तान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने बाकायदा गाइडलाइन इशू की थी कि एम्बुलेंस की, इलाकों की, सरफेस की सैनिटाइजेशन कैसे हो। हमने इसलिए सोडियम हाइपोक्लोराइड लिया, पर खट्टर साहब ने ना कहीं मशीन भेजी पूरे हरियाणा में और ना कहीं सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई भेजी। यही नहीं, क्या एक भी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट डॉक्टर को खट्टर साहब ने PPE किट भेजी? नहीं। सरकारी अस्पतालों में हमने देखा किस प्रकार से, फतियाबाद का आपने वाक्या पूरा रिपोर्ट किया था, हमारे कई डॉक्टर गुड़गांव में सरकारी डॉक्टर संक्रमित हो गए, हमारी पंचकुला में एक नर्स बहन मोमजामा पहन के सरकारी अस्पताल में इलाज करती पाई गई,
इन सबको पीपीई किट्स उपलब्ध ही नहीं कराई और प्राइवेट में तो बिल्कुल नहीं करवाई। तो इसलिए मुझे लगता है ये लड़ाई सरकारी हो या प्राइवेट हो सबको मिलकर लड़नी है। कोरोना का संक्रमण तो बीएमएस डॉक्टर के पास भी आ सकता है, एमबीबीएस एमडी के पास तो आ ही सकता है, प्राइवेट अस्पताल में तो शर्तिया आ सकता है। तो सरकार को ये पहचानना चाहिए कि निजी क्षेत्र जो है स्वास्थ्य क्षेत्र हरियाणा का, उनका भी एक योगदान हो सकता है। और अगर एक अंग्रेजी का लफ्ज है फोर्स मल्टीप्लायर, यानी ताकत को कई गुना बढ़ा देना, अगर सरकारी डॉक्टर साहिबान के साथ हम सारे प्राइवेट डॉक्टर साहिबान को इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए लगा लें और उन्हें जरूरी हथियार से लैस कर दें, तो देखिए हमारा संक्रमण से लड़ने की ताकत कितना गुना बढ़ जाएगी। पर चंडीगढ़ में 63 दिन अपने आप को कोरोना से डरकर कमरे में बंद किए हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को जमीन की हकीकत ना समझ में आती, ना वो इसकी पहचान करना चाहते। उन्होंने तो पुलिसकर्मियों, उन्होंने तो डॉक्टर साहिबानों, उन्होंने तो नर्सों, उन्होंने तो पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, यहाँ तक कि पीड़ पानी बिजली के कर्मचारियों, उनकी तनख्वाह का पैसा काट लिया। देने की बजाय ये सरकार वसूली सरकार है, ये देती कुछ नहीं है। 200 करोड़ रुपया खट्टर साहब ने वसूल किया कर्मचारियों की तनख्वाह काट कर। क्या मैं पूछ सकता हूँ हरियाणा के एक नागरिक के तौर पर, खट्टर साहब वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा किस चीज में खर्च हुआ, उसका हिसाब आप क्यों नहीं देते, कहाँ से पैसा आया साइट पे लिखो, कहाँ गया ये भी साइट पे लिखो। ये तो हरियाणा के लोगों का अधिकार है जानने का। तो ये सरकार निकम्मी और नाकारा सरकार है भाजपा जजपा की, इनको हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की परवाह नहीं, और इसीलिए ये उदासीन अपने आप को डरते हुए कोरोना से, जो मुख्यमंत्री 63 दिन कमरे से बाहर ना निकले प्रदेश का शासक, तो प्रदेश कैसे चल पाएगा। अफसर शाही को सारा मामला सौंप दिया और खुद कुछ नहीं कर रहे। ये जितने पीछे पाछे बनने सर कट्टे करे थे तो थोड़ा मतलब उसका भी कोई हिसाब किताब दे रहे हैं या मतलब जी? बिल्कुल नहीं। ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड के नाम पर एकत्रित किया। जब एक कानून की शिक्षा लेने वाली हमारी बिटिया ने आरटीआई मांगी कि इसका हिसाब बताएं, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये तो सार्वजनिक सेवा में फंड आता ही नहीं, माफ करना, जनता के जेब से पैसा लिया हुआ, कानून अमेंड करके 20,000 करोड़ इकट्ठा किया हुआ, सार्वजनिक सेवा और जनता का पैसा क्यों नहीं? क्या ये प्रधानमंत्री जी का निजी कोष है मोदी जी और भाजपा का? ऐसे ही जब खट्टर साहब से कहा गया, खट्टर साहब आपने 200 करोड़ रुपया हरियाणा जैसे छोटे प्रांत में इकट्ठा कर लिया, तो खट्टर साहब भी नहीं बताते। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, ना मोदी जी हिसाब देते, ना खट्टर साहब हिसाब देते, ना मदद करते, ना करने देते, उल्टा हमको कहते रहते तुम्हारे ऊपर पर्चा दर्ज करेंगे कर लो, पर हम सेवा से नहीं रुकेंगे, हम अपनी सेवा करते रहेंगे। एक से जो बहुत चर्चित ये जो शराब घोटाला मामला हुआ पिछले दिनों में हुआ रोकथाम के दौरान, इसके जो जवाब में जो हमारे अनुभव उन्होंने कहा है अभी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय घोटाला चलता आ रहा है और वहां तक जड़ तक पहुंच गए थे। आप इस साहब को गंभीरता से मत लिया करो, उनकी कोई मानता वानता नहीं है सरकार में, ना उनकी कोई बात सुनता। सवाल ये है मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर इस पूरे मामले पर पर्दा क्यों डाल रहे हो? सवाल असली ये है, जो विद साहब की हिम्मत नहीं पूछने की, मैं पूछता हूं, क्या ये सही नहीं कि पहले SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, SIT को अख्तियार है लोगों को गिरफ्तार करने का, दोषियों को रिकॉर्ड खंगालने का, रेड मारने का, तफ्तीश करने का, बयान दर्ज करने का और चालान पेश करने का, मुकदमा दर्ज करने का। खट्टर सरकार घबरा गई, उनको लगा शराब माफिया के तार जो अफसरशाही और राजनीतिक लोगों तक बड़े से बड़े तक जुड़े हैं उनकी पोल खुलने वाली है। उन्होंने उस SIT को खारिज कर दिया मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने और उसको स्पेशल इंक्वायरी टीम में बदल दिया। ऐसा क्यों?
नंबर दो, खट्टर साहब क्या ये सही नहीं कि स्पेशल इंक्वायरी टीम को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता में उसकी पहचान ही नहीं, ना वो रिकॉर्ड मंगा सकते, ना वो रिकॉर्ड खंगाल सकते, ना बयान दर्ज कर सकते, ना चालान पेश कर सकते, ना तफ्तीश कर सकते, तो वो करेंगे क्या? तो केवल लीपापोती करेंगे। तीसरी बात, इस स्पेशल इंक्वायरी टीम के ADGP यादव साहब जो थे वो 31 मई को रिटायर हो गए, आपने ऐसे अफसर को क्यों लगाया जो 12 दिन बाद रिटायर हो जाने वाला था? नंबर चार, खट्टर साहब ने वादा किया था 31 मई तक रिपोर्ट आ जाएगी। खट्टर साहब आज तो 4 जून हो गई, वो रिपोर्ट कहाँ गई? नंबर पांच, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जांच को भटकाने के लिए फाइल का फुटवाल बढ़ाकर शराब घोटाले की कभी LR के पास भेज देते हैं, कभी एडवोकेट जनरल के पास। दोनों में से किसी ने राय नहीं दी कि इन्हें शक्तियां देनी है, शक्ति दी नहीं। नंबर छह, अब ये कह दिया गया कि 2 महीने का वो समय और बढ़ाना है। अब वो फाइल का फुटबॉल बना रखा कि वो 2 महीने का समय बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। सच्चाई ये है कि शराब घोटाले के तार भाजपा जजपा सरकार के बड़े से बड़े पद पर बैठे लोगों से जुड़े हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक षड्यंत्रकारी तरीके से उस पर पर्दा डाल।